हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। एंड आप में से बहुत सारे लोग को एक परेशानी हो रहा है, अगर आपके पास SRS+7 का कोई भी वेरिएंट है, इंटेल हो जाए, i5 i7 Ryzen 5 Ryzen 7, तो एक दिक्कत हो रही है आप में से बहुत से लोगों को। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में आके भी बताया है, इवन कमेंट करके भी बताया है बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मेरे, कि जो हेडफोन है, हेडफोन का जो प्लग इन इशू हो रहा है। मतलब आप हेडफोन प्लग कर रहे हो बट आप हेडफोन के अंदर आपको कोई भी साउंड और म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। उस इशू को किस तरह से फिक्स करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई साहब, ये जो वीडियो है आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जो SRS+7 लैपटॉप है उसके अंदर जो हेडफोन का प्रॉब्लम है एकदम मैं खत्म करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, एज वेल इस वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना, वैसे प्रॉब्लम आपके ऊपर है। सो सिंपली मैं यहाँ पर मेरे पास जो हेडफोन है इसे मैं प्लग करने वाला हूँ। ये जो हेडफोन है दोस्तों, ये रियलमी का हेडफोन है, इसे मैं यहाँ पर प्लग करने वाला हूँ मेरे SRS+7 लैपटॉप के अंदर। एंड यहाँ पर से हम नॉर्मली प्लग कर देते हैं, एंड प्लग करने के बाद देखिए भाई साहब, हमारा जो हेडफोन है अभी यहाँ पर नहीं आया है। देखिए इसके देख ही पा रहे हो, यहाँ पर जो चीज आप देख पाओगे यहाँ पर स्पीकर ही बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर से रियल टेक कर देता हूँ स्पीकर के अंदर, दो प्लेबैक ड्राइव है यहाँ पर, मैं अगर रियल टेक ड्राइवर करता हूँ फिर भी जो हमारा जो हेडफोन है वो नहीं यहाँ पर काम कर रहा है। सो इसे काम करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई साहब, सिंपल एक इजी ट्रिक है दोस्तों। आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है इसमें जाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद एक आपको एक यहाँ पर एक टॉगल दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। टॉगल के अंदर क्या लिखा हुआ है, रियल टेक ऑडियो कंसोल व्हिच डिवाइस डिड यू पुल इन, यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टैप करना होगा, यहाँ पर आपको बताना होगा आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपको क्या आपने प्लग किया, लाइन इन, माइक इन, हेडफोन, स्पीकर आउट एंड हेडसेट। तो यहाँ पर सिंपली हेडफोन को सिलेक्ट कीजिए एंड हिट ओके, एंड बूम, आपने आपका काम कर दिया है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको हेडफोन का एक ऑप्शन आ गया प्लेबैक डिवाइस के अंदर, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो हेडफोन है काम करना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चीज है दोस्तों जो आपको करना होगा अपने SRS+7 लैपटॉप के अंदर, अगर आप हेडफोन यूज करना चाहते हो हर टाइम हेडफोन को प्लग करने के बाद। ये देखो, हर टाइम हेडफोन मैंने प्लग किया, कुछ कुछ टाइम यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है बट कुछ कुछ टाइम नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में टैप करना होगा। उसके बाद दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको कॉटरेना भी बोल देता है, भाई सब क्या दिक्कत हुआ है बोलो। सो ये चीज आपको देखना होगा। सो ये जो इशू दोस्तों, ये इशू आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज का अपडेट है, अपडेट के साथ है इशू दोस्तों, SRS+7 लैपटॉप के साथ नहीं है। ये जो ऑनलाइन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट आया है उसके साथ इशू देखा गया है। सो ये जो इशू है बहुत टाइम से चला हुआ है, अभी भी फिक्स नहीं किया है माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज वालों ने। होपफुली इन फ्यूचर जल्दी से फिक्स हो जाएगा। सिर्फ आपको हेडफोन को प्लग करके यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके हेडफोन सेलेक्ट कर लेना होगा और आपका जो हेडफोन है काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर देना, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।